स्नेहा अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। शिवम तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें समझाया ना स्नेहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अब। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। शिवम यार ऐसा मत करो प्लीज। और मैं नहीं चाहता ऐसा। शिवम मैं 3 साल से तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार यार कुछ नहीं होता स्नेहा, मैंने तुझे पहले ही बोला है, तू भी रह सकती है, मैं भी रह रहा हूँ बिना प्यार। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। क्यों नहीं रह सकती? मैं रह रहा हूँ ना, तू भी रह सकती है। मैं नहीं रह सकती शिवम, प्लीज मत जाओ यार। मेरी शादी हो रही है, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। शिवम प्लीज मत जाओ। शिवम प्लीज। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, रो के थोड़ी ना सॉर्ट आउट होगी। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कभी सॉल्व नहीं होती। अच्छा बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं बताना, आप अपना काम करो। यार देखो एक इंसान इंसान ही काम आता है और मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ तो मतलब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, तो मैं होना ही मेरा काम। तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, ऐसे सबकी मदद करते हो। सबकी तो नहीं, मतलब तुम थोड़ी सी स्पेशल हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इतने परेशान थे, रो रहे थे और मैं वहाँ से तुम्हें देख रहा था, तुम मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आके तुमसे पूछ लिया। यार देखो मेरा ना पहले से बहुत मूड खराब है और अब तुम कर रहे हो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। यार देखो अपनी प्रॉब्लम में किसी को बताने से मन हल्का हो जाता है। मुझे नहीं बताना। मतलब तुम काफी देर से परेशान हो, रो रहे हो, इसका मतलब बॉयफ्रेंड का चक्कर? तुम्हें कैसे पता? ऐसे ही बस गैस किया मैंने। ये तुम्हारा ना बहुत हो गया, उठ के यहाँ से चले जाओ। रुको, तुम क्यों, मैं ही चली जाती हूँ। सुनो तो, मैं तुम्हारा कल यहीं वेट करूंगा इसी टाइम। आप मैं यार कब से आपका वेट कर रहा था। मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, आपका रुमाल मेरे पास गलती से रह गया था, इसको वापस ले लो। ये रख लो आप, कम से कम आपको मुझे याद तो आएगी। मुझे किसी को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने पास रखो अपना रुमाल, मुझे लेट हो रहा है। सुनो यार प्लीज चले जाना, 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज, 2 मिनट बैठ के चले जाना आप। यार इस बार बिल्कुल सीरियस, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होना मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसको नहीं बात करूंगा तो फिर तुम हर्ट होगे, मैं तो बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता। आई नो ब्रेकअप के बाद ना तकलीफ होती है और उससे निकलना बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं समझ रहा हूँ, पर ये वक्त है ना, ये वक्त सारे घाव भर देता है। एक डायलॉग है ना कि वक्त के साथ सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ गुजर जाता है। तुम ना बस थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा यार, तुम उसको भूल जाओगे बहुत जल्दी। ध्यान देना बहुत आसान है, जब बीतती है ना किसी पे सिर्फ उसी को पता होता है। यार मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है, और तुम ना जब इन सब चीजों से निकल जाओगी बाहर, तुम सोचोगे मैं कहाँ ही फंसी पड़ी थी और मैं क्या ही कर रही थी। बोलना ना आसान होता है, लेकिन इन सब चीजों से निकलना ना बहुत मुश्किल होता है। यार इतना मुश्किल भी नहीं है, बाहर जाओ, फ्रेंड से चिल करो, मूवी देखो, फ्रेंड से बात करो, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ, अपने को बिजी रखो, सोचो ही मत उन चीजों के बारे में जो सब हुआ है। देखो तुम बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाओगे। यही पास में कैफे है, इफ यू डोंट माइंड हम कॉफी पे चलें, कुछ बातें भी हो जाएंगी अपने दोनों की। सुनो अपना फोन देना 1 मिनट के लिए। क्यों? ए, दो ना यार तुम सवाल बहुत पूछती हो। ये लो मेरा नंबर, जब भी अब तुम अकेला फील करोगे ना सीधा मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक। बिल्कुल भी रोओगे नहीं, चले अगर भी काफी टाइम हो चुका है।
पता तुम कॉल जरूर करोगे। अच्छा इतना भरोसा? वैसे तुम्हें पता कैसे चला मैंने कॉल किया? बस पता चल जाता है। अच्छा एक बात बताओ तुम ठीक हो? ठीक हूँ, पहले से बेटर फील हो रहा है। मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपने मुझे कभी अपने पास के बारे में नहीं बताया, क्या वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ? यार तुम ना मेरे पास के बारे में ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना मैं नहीं चाहता कि भगवान किसी के साथ भी करे। हेलो। हाँ कौन? इतनी जल्दी मेरी आवाज भी भूल गई। शिवम। हाँ। कैसे कॉल किया? यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार। क्यों, तुम्हारी बीवी तुमको प्यार नहीं करती? यार वो सब मैंने तुमसे झूठ बोला था, ऐसा कुछ नहीं है यार। नेहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं जाना ये सब, और प्लीज मुझे कॉल मत करना आज के बाद। यार सुनो तो स्नेहा। सॉरी यार मैं थोड़ा लेट हो गया। हेलो कहाँ खो रहे हो? कहीं नहीं। कुछ बात है क्या? नहीं। सब ओके? हाँ सब ओके, कोई बात नहीं। कुछ है तो शेयर कर सकते हो? नहीं 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 कोई बात नहीं। तो उधर कहाँ देख रहे थे? बस ऐसे ही। कोई लड़का खड़ा है क्या? नहीं। सब ठीक है ना? हाँ। मैं सोच रहा था आज हम लोग मूवी देखने चले। हाँ चलो चलो। मुझे नहीं मिलना तुमसे, मैं नहीं आऊंगी। अगर तेरे दिल में थोड़ी सी भी फीलिंग होगी ना तो मिलने आएगी मुझसे। सोचा था अगर मैं मिलूंगी तुझे, मेरे दिल की बातें कहूं।
यार, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, तो आज का प्लान कैंसिल कर दे क्या? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, रेस्ट करो आराम से, हम बाद में मिल लेंगे, ठीक है? मुझे पता था तुम मुझसे मिलने आओगे। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, बोलो क्या हुआ? यार स्नेहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा यार स्नेहा। लेकिन मैं नहीं रह सकती, अब मैं नहीं आ सकती वापस यार। क्यों यार? मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास वापस, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ अपनी लाइफ में, और अगर इतना ही प्यार था ना तुम्हें तो छोड़ के क्यों गए थे? मुझे पता चला है तुम मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा यार स्नेहा। मैं चाहता तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास, आई लव यू स्नेहा। एक बात बताओ, तुम कल कहाँ पे थे? मैं घर पे थी। क्यों? कल तुम घर पे थे? ठीक है, मुझे लगा तुम घर पे होंगे, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन वगैरह लेके आता हूँ, और तुम कुछ और ही कर रहे हो यार। तुम उसे प्यार करते हो बीबी? हम कुछ बात सुनो मेरी। तुम उसे अभी प्यार करते हो? हाँ है ना? हाँ। कमी ना तुम्हारे प्यार में नहीं, कमी मेरे प्यार में, शायद तुम उसे भुला नहीं पाई अब तक। यार स्नेहा, तुम मुझे कभी छोड़ के जाओगे ना? नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ना कभी कभी अजीब से डर लगता है, और मैं तुम्हें ना बहुत प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज्यादा, तो मैं मतलब तुम्हें खोने से डरता हूँ। ट्रस्ट करो, मैं आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाती। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं जाऊंगा।